अस्सलाम वालेकुम। मरियम किचन में आप सबों को खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ मस्का बिस्किट बटर। ये मैंने दो पैकेट ली हूँ। तीन अंडे, आधी चम्मच मैंने जायफल पाउडर ली हूँ। अगर आपको चाहे तो इलायची ले या तो एसेंस डाले आपकी पसंद से। चुटकी भर नमक, पाव किलो शक्कर और पाव किलो मैदा। पहले मैं ये इसको मैं मेल्ट करती हूँ, पिघला के लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ आपसे। ये तीन अंडे मैंने इसमें डाली हूँ। बटर मैंने गरम करके उसे ठंडा होने के लिए रखी हूँ। अब तब तक के लिए हम अंडा और शक्कर फेटेंगे। ये ठंडा हो चुका है, अंडा और शक्कर मैंने फेंटी हैं, इसमें ये बटर डाल देंगे। इसको थोड़ा घुमाएंगे। जायफल और नमक भी डालेंगे। शक्कर घुल चुकी है इसमें। 5 से 10 मिनट मैंने इसको फेंटी हूँ। अब इसमें हम मैदा मिलाएंगे। ये दो हिस्सों में बनाएंगे। अगर बड़ी ट्रे आपके पास है तो आप एक ही बार लें, अगर छोटी है तो आप दो बार दो हिस्सों में। ये मेरे पास छोटी ट्रे है तो मैं दो हिस्सों में बनाऊंगी। दो हिस्सों में की हूँ क्योंकि ये बहुत मोटे बिस्किट नहीं बनाते, आधे इंच के बराबर। अगर आपको इस पर ड्राई फ्रूट डालना है ड्राई फ्रूट डालिए, टूटी फूटी डालना है तो डालिए। मैं भी टूटी फूटी ही डाल रही हूँ। नहीं भी डाले तो कोई बात नहीं, स्किप करें। मैंने 200 डिग्री पे ओवन को प्रीहीट होने रखी हूँ और 30 मिनट पे मैं इसे बेक करूँगी। मिलती हूँ। देखो हमारे बिस्किट तैयार हुए हैं। इसको पहले काट के लेंगे, बाद में ठंडे होने के बाद मैं निकालती हूँ।
अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो ये हमारी एक ट्रे 350 में बिकती है। आप बिजनेस कर सकते हैं। अभी ठंडे होने के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मेरा दूसरा बैच, ये मैं इसको ओवन में बेक करने डालती हूँ। देखें हमारी बिस्किट तैयार है, लेकिन अभी ठंडे नहीं हुए। ठंडे होने के बाद ये थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। हमारे मस्का बिस्किट अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी और एक रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम।